बोल कहाँ हूँ? माउंट रोड LIC कॉर्नर पर। इस नंबर पर एक मिस कॉल देना। अच्छा, और फिर कभी आराम से बैठकर बात करेंगे तो मैं तुझे बताऊंगा कि हेमानिका ने मरने से 10 सेकंड पहले क्या कहा था। ठीक है ना सत्या? अब तक मैं एक झूठ के सहारे जी रहा था कि हेमानिका को गोल्डन राज ने मेरी ईमानदारी की वजह से मारा है, जबकि वो मेरी आपसी दुश्मनी की शिकार हो गई। ये बोझ मेरे लिए बहुत भारी था। मुझे माफ कर दो ईशा। जहाँ भी बुलाया है वहाँ पहुँचते ही मुझे जाने दीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ईशा मुसीबत में पड़ जाए। प्लीज प्लीज सुहासिनी, ये जरूरी नहीं है। अरुण, लैपटॉप। ईशा बेबी, कहाँ हो तुम? प्लीज बेबी। ए, कब पापा? दो कदमों को जाओ। अगर एक बार और आवाज निकाली हो तो मार दूंगी तुझे। सर, GPS ट्रैकर ईशा के स्कूल बैग में? नहीं, उसकी घड़ी में है। थैंक गॉड। क्या बात है सर? ईशा इस समय यहाँ है। लगता है रास्ते में लोगों ने ईशा की गाड़ी बदल दी है। इस एरिया में यह आनंदा से 4 नाका जाता है। टीम को बोलो कहीं भी सफेद एंडेवर को पार्क देखे तो उसे चेक करे। श्योर सर। और ईशा की पोजीशन बताते रहो। रिचर्ड, बुरूर, पलाड़, पंजा, एयरपोर्ट, हर जगह अपनी टीम तैनात रखो। उस रास्ते के सारे व्हीकल चेक कर सकते हो क्या? सर, वो आगे निकल गई है, ये इधर मुड़ गई है। सर, सर एयरपोर्ट, एयरपोर्ट की तरफ चलिए। रिचर्ड, गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। ओके, डन, आई कॉल यू बैक। तो पास ही है सर। कहाँ जा रहे हैं सत्या? माउंट रोड LIC कॉर्नर। अच्छा, तो उसके लिए इतना घूम के क्यों जा रहा है? या LIC की बिल्डिंग कहीं शिफ्ट हो गई है? हो गई है तो बताओ, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। अगर LIC बिल्डिंग जाना था तो पहले ही राइट लेना चाहिए था, या कम से कम अब राइट लेना चाहिए। तूने लेफ्ट क्यों ले लिया सत्या? तू जहाँ से मर्जी आ, लेकिन तेरे पास 1.25 घंटा है। और मेरी गाड़ी, वो आयरन ब्रिज है ना? हाँ, नेपियर ब्रिज, वहाँ पर खड़ी हुई मिलेगी। उसमें सुहासिनी को बैठाना तुम्हारी ड्यूटी है, और अगर वो नहीं चढ़ी या हमारी गाड़ी का तुम्हारे आदमियों ने पीछा किया या पुलिस ने रास्ते में कोई ड्रामा करने की कोशिश की तो दिक्कत हो जाएगी, तेरे लिए भी और तेरी बेटी के लिए भी। मैं कसम खा के कहता हूँ, आज के बाद हमारी बात नहीं होगी। लेकिन मेरी बातें सुन ली है तो आखिरी बार आवाज सुना दे। समझा विक्टर? के अलावा और कुछ मत बोलना। समझा विक्टर। क्या हुआ? विक्टर के आदमी, पकड़ो उन्हें। ठीक है सर। ये कहां था है? बाहर निकालो इसे। उस दिन तेरी धुलाई की थी, याद है ना? तू ही विक्टर को फोन कर रहा है ना? फोन कहाँ है? मेरे पास फोन नहीं है सर। अंदर बैठ, फोन निकाल। या, निकाल। सॉरी, थोड़ी मार पीट करनी पड़ती है। सॉरी अबाउट दिस। फोन निकाल, रानी जी, फोन निकाल। फोन खाले का। हाँ सर। फोन निकाल। किसका फोन है? जल्दी बता। विक्टर। वहाँ क्या चल रहा है वे? तूने फोन क्यों नहीं किया? उसने गाड़ी घुमा दी है, मैं पीछा कर रहा हूँ, बहुत ट्रैफिक है। अभी कहाँ है वो? उसने गार्डन से टर्न लिया है, शायद सलाम चौक से नंदनवन पहुँच जाएंगे। उसके बाद माउंट रोड है, मेरे ख्याल से LIC से होते हुए नेपियर ब्रिज जाएंगे। अगर वो प्लान बदलता है तो मैं खबर कर दूंगा। ठीक है? अच्छा, ऐसा है। ठीक है, मैं बताता हूँ, होशियार रहना।
ट्रैकर रुक गया है। सिग्नल होगा। अभी कहाँ है? जस्ट बिफोर द एयरपोर्ट सर। निशा, तो कहाँ पर है? एयरपोर्ट रोड। इधर खूब ट्रैफिक है, आधा घंटा तो लगेगा ही। कांता बकवास कर रहा है। मैंने उसे नेपियर ब्रिज के बारे में बताया ही नहीं था। कहता है मैं सत्या की गाड़ी के पीछे हूँ। नेपियर ब्रिज आते ही फोन करता हूँ, ऐसा कह रहा है। मैं इस वक्त मेन रोड पे ही खड़ा हूँ। वो यहीं से गुजरना चाहिए था, पर अब तक आया नहीं। और मुझसे कह रहा है सलाम चौक पहुंच गए। कुछ तो गड़बड़ हो रही है लीसा। सर अब ये लोग चल पड़े हैं। सर वो होंडा शोरूम की तरफ मुड़े हैं, वहां से कोई सबवे होगा। रुकिए रुकिए, इधर नहीं। होंडा शोरूम के लिए यू टर्न ले लीजिए सर। ओके सबवे। हां हां यही है, यही पर आए हैं सर। चेक करते रहो। श्योर सर, ट्रैकर यहीं रुका है। 10 मिनट से गाड़ी की कोई मूवमेंट नहीं है। सर संभल कर। डोंट शूट, डोंट शूट। सत्या तू ही है ना? विक्टर ने तेरे लिए वॉच भेजा है और साथ में कहा है तेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा। बच्ची कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? वेंकट किसी से फालतू भंकस नहीं करता, समझा ना? बाकी मुझे और कुछ नहीं पता। ओके, फोन है सर। बोलो विक्टर। कौन है वहाँ पे? सत्यदेव और 10-12 पुलिस वाले भी हैं। और कांता? कांता नहीं दिख रहा है। लड़की है कि नहीं? लड़की? वो तो जीप में बैठी है। फोन दे उसे, फोन दे उसे। सर सर विक्टर। रिस्क ले रहा है सत्या, अभी तक रिस्क ले रहा है तू। एक घड़ी पहनाकर अपनी बेटी को ढूंढ लेगा ये सोचा था ना? और ये बात मैं जानता था, है ना? कितना एक जैसा सोचते हैं हम सत्या। ए! मेरी बेटी कहाँ है? सुहासिनी किधर है? मुझे ईशा को देखना है। पहले मुझे मेरी बेटी को देखने दे, उसे मेरे हवाले कर और फिर इसे ले जा। hey, negotiation के लिए जगह नहीं है। तू अपनी सिचुएशन को भूल के मुझसे बात कर रहा है। तू सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहा है। वो लड़की वहाँ खड़े आदमियों के हवाले कर और निकल जा वहाँ से। तेरी बेटी को भिजवा दूंगा मैं। उसके आगे उसकी जरूरत नहीं है मुझे। मुझे तू चाहिए, वो अलग बात है। तुझे बाद में देख लूंगा। जो कह रहा हूँ वो कर सत्या। यहाँ मेरे 15 आदमी है और तेरे सिर्फ 3। शूट करके सबको यही फेंक दूंगा। तेरी बेटी की उंगलियां काट के मैं छुट्टी पे चला जाऊंगा। ए विक्टर! सुहासिनी नहीं मिली तो मेरा सिर्फ नुकसान होगा। मेरा क्लाइंट मर गया तो मुझे सिर्फ पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन तेरे लिए ऐसा नहीं। या कहीं तेरे लिए भी ऐसा तो नहीं है? मुझे एक छोटा सा डाउट है, ये तेरी अपनी बेटी नहीं है ना? है ना सत्या? इसकी माँ से तेरी शादी तो हुई नहीं मेरी वजह से। अब पता नहीं किसने पैदा किया इसे। अब इसके लिए तो आएगा या नहीं मुझे डाउट है। अब तक डाउट नहीं था लेकिन अब हो रहा है। तेरी हरकतों की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। ए, तू पुलिस वाला ना होकर पाप होता तो ऐसा करता? कब से तुझे समझा रहा हूँ, जो कह रहा हूँ करता क्यों नहीं? क्यों तंग कर रहा है मुझे? तुझे दोस्त बनाया, तूने जिंदगी बर्बाद कर दी। गद्दार साला। वो लड़की ज्यादा प्यारी है। अपनी बेटी प्यारी नहीं है तुझे, बता। ए, मैं आ रहा हूँ वहाँ। कौन कौन है वहाँ पे? मुझे वहाँ कोई नहीं चाहिए, सबको भेज वहाँ से। मैं आ रहा हूँ, देखते हैं कौन बचता आज। ए, तुझे टपका कर ले जाऊंगा उसे। आओ क्या? चुप कर साले। धमकी देना बंद कर और सामने आ जा। मेरी बेटी के पीछे कारों की तरह छिप रहा है। आ जा सत्या। विक्टर। क्या कर रहा है बे? मैंने तेरे 2 आदमियों को गोलियों से भून डाला। तेरी बकवास सुनकर मुझे हेकड़ी दिखा रहे थे, समझा क्या? चला जा सत्या। तेरी बेटी की उंगलियां काट कर पार्सल करनी पड़ेंगी मुझे। अगले 20 सेकंड में तुझे फोटो भेजता हूँ। फोन है ना तेरे पास? व्हाट्सएप है ना? उसमें भेजता हूँ फोटो। ठीक है, अब मैं क्या करूं बोल। ये बात, अब खेल खत्म। जैसा कह रहा हूं वैसा कर, तेरी बेटी छोड़ दूंगा। कांता कहां है? तेरे साथ है ना? उसको फोन दे। अरुण। सर। कांता। यस सर। क्या ये लोग मर गए क्या? नहीं, जिंदा है, सिर्फ पैर पर लगी है। और क्या बच गया? तुम कहो तो लड़की लेकर निकलते हैं। हाँ जल्दी आ। विक्टर और एक बात। हाँ बोलना। हमें जो चाहिए था वो तो हमें मिल गया, अब इससे निपट लूँ क्या? इसका गेम बजा डालता हूँ इधर ही। बस एक गोली। इसकी औकात क्या है? पुलिस वाला तो है नहीं, ये खत्म तो खेल। बहुत फंकस करता है ये। यथू, वो फूक मारेगा मर जाएगा तू। गाड़ी में बैठ चुपचाप। ठीक है, इससे तो मैं बाद में देखूंगा। मेरी नाक तोड़ दी इसने। लड़की को लेके आ रहा हूँ मैं। अबे लड़की को ले और इधर आ। ए, ए, गाड़ी में डाल लड़की को। मैं इंतजार करूंगी।
अपने क्लाइंट के साइज के लिए यही बढ़िया है। उस लड़की निलंजना को छूना ही नहीं चाहिए था, वही गलती हो गई, इसीलिए सत्य इस झमेले में है तेरी वजह से। सर, कालिंदी बस स्टॉप के आगे से लेफ्ट ले लीजिएगा सर। लेफ्ट घूमते ही एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखेगी, यही वो जगह है, कई मंजिला है सर वो। उस लड़की को वही ले गए, वो लोग किसी पेशेंट के इंतजार में, ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू पक्या। सर, मेरे बच्चे की जिंदगी आप ही की वजह से बच गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो 10,000 रुपए जो मैंने उसके बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए दिए थे, वो आज मेरी बेटी की जिंदगी बचाने के काम आएंगे। हम पहुंच गए, कहाँ आना है बताओ। हाँ आजा, यहाँ सब बिछा के रखा है, सब तैयार है, तुम्हारे अंदर आते ही लड़की को खोल देंगे। ऐसे गाड़ी को रिवर्स लेके गेट के अंदर ले लो, खोल बे। एम्बुलेंस रोको। कौन हो तुम? तो तू है मेन विलन, एक पत्थर दिल जिसे उधार की धड़कने चाहिए। नहीं, उधार की गोली दूं? नहीं। What's wrong with her? I have given her anesthesia. I can remove the mask. Shut up! I'm doing it. But, I'm really Arun, sorry, sir. I'm in jao. I didn't do anything. Madad bulao. Koi bachchi hai yahan? Meri beti? Meri beti kahan hai? No child here, sir. No child here. Tu hi khara? सब गड़बड़ हो गया, सत्या पुलिस लेकर घुस गया, बख्या ने धोखा दे दिया। अरे देवा, अब क्या होगा विक्टर? लग तो रहा है कि बच गया, मगर पता नहीं। घबराना मत, तू वहीं रुक, तू कहाँ है ये किसी को नहीं पता। नहीं, नहीं, मैं अकेली नहीं रहूंगी विक्टर, तुम जल्दी आओ, तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी आओ, अभी आओ। मुझे ईशा चाहिए विक्टर, कहाँ है ईशा? तो उसकी यारी बोल बोल कर धोखा दे गया ना।
भाग रहा है उसका एक ही मतलब है, ये तेरा वक्त है। रुकना मत, रुकना मत। तेरे बुलाने पर भी मुझे नहीं आना चाहिए था। क्या करता, तू ही तो मेरी ताकत थी। रोती तू थी और सड़ता मैं था। तुझसे पागलों की तरह मोहब्बत करता था। लीसा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम यहां से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकती। बच्ची को छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं, जितना मैं रोई हूं ना सत्या, तू भी उतना ही रोएगा। काश तेरे लिए तुझसे दूर रह पाता तो आज तू जिंदा होती। मेरी गलती, ऐसी गलती जो मैं नहीं सुधार सकता। मुझे माफ कर देना लीसा, मुझे माफ कर देना।